भाई लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। बात ऐसे है कि यार, आज कोई जो हमने स्प्रिंग लगाए थे पीछे बैक पर लॉक करने के लिए, उनका कोई जुगाड़ करते हैं। ओरिजिनल लगाते हैं जो मतलब उतारे थे इसके कोरोला सैलून के, जो ओरिजिनल उतारे थे वही लगाएंगे। क्योंकि मसला ये है जो चलो ऑटो शो तक तो गुजारा कर लिया है, 2-3 दिन मतलब चला ली है मुश्किल से या जैसे भी। तो अभी ऐसा है कि यार अभी उतार लेते हैं। मैं इसलिए मैंने कहा यार, रात ऑटो शो से ऐसे थके हुए थे, अभी तकरीबन 3 बज गए, अभी जा रहा हूँ। मैंने कहा आज पहले पहले फुर्सत में यही काम कराते हैं, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ना हमारे रोड्स डेरा इस्माइल खान के ऐसे हैं कि बस ना पूछे, बहुत ख़राब है। और मतलब अगर कोई पीछे 2 बंदे ही बैठ जाए तो गाड़ी नीचे लग जाती है, एक बंदा बैठ जाए लग जाती है। अभी वही पहली फुर्सत में यही काम करते हैं कि पहले वो स्प्रिंग इसके ओरिजिनल लगाते हैं, ये वाले उसे वापस करते हैं। उससे लिए थे ना कि यार 2-3 दिन चलो लगा लेते हैं। जिन्होंने मेरे पिछले व्लॉग देखे हैं उनको सारा पता होगा। तो वो आज इंशाल्लाह जो स्प्रिंग वाले व्लॉग है उसको मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक। तो अभी वही काम जा रहे हैं उसको, मतलब जैसे मुश्किल से ऐसे 2-3 दिन चलाया है, क्योंकि अभी एक बंदा पीछे बैठ जाए गाड़ी नीचे लग जाती है, टायरों पर लग जाती है बॉडी इसकी। तो अभी जाते हैं, अल्लाह पाक खैर करे, उनसे दिखाते हैं फिर वो क्या कहता है। अगर आज फ्री है तो उससे आज पहली काम यही करवाते हैं, उसे कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि यार टाइम निकालो, क्योंकि इसके ओरिजिनल लगाते हैं। उनका और इनका इतना फ़र्क नहीं है, एक स्टेप का फ़र्क। भाई लोग ये जो गाड़ियों के शौक है ना यार, ये बहुत मुश्किल शौक है, ऐसे है या नहीं? बिल्कुल। अभी हम बैठे हैं अपनी बारी के इंतज़ार में, सामने एक गाड़ी लगी है, आधा घंटा हो गया है यार कि भाई कब हमारी बारी आएगी। वो लगे पड़े हैं सामने, देख सकते हैं आप, जमशेद एंड शॉक्स एंड एक्सल वाले के पास आए हुए हैं। जमशेद उस्ताद जो शॉक्स का काम करता है डेरा में, उसके पास आए हुए हैं और बैठे हैं अभी अपने बारी के इंतज़ार में। आज कल की काफ़ी गर्मी पड़ी है, पता नहीं क्या चक्कर है यार, दिसंबर में इतनी गर्मी है डेरा में, आगे तो पता नहीं क्या होगा। फाइनली हमारी बारी आते हुए, क्या वो देखता है क्या हुआ है। मुन्ना उस्ताद ना, मुन्ना उस्ताद है, हैं पक्की बात है। रिम का ख्याल करें, ये काला कलर लेकर जा रहे हैं। आज हम एक नया कारनामा कर रहे हैं गाड़ी से, ये एक और सरप्राइज है आपके लिए। आज सारी गाड़ी को ये वाला कलर करते हैं, पैसे भी काली है लेकिन ऊपर से और काला कर लेते हैं। खैर हो भी मुन्ना उस्ताद, नहीं नहीं देते ना। फाइनली अपने स्प्रिंग लगते हुए, अब फिर से ये बेचारी ऊपर हो जाएगी। बोट ड्रॉप चला रही है हमने, ऐसे है, ऐसा है या नहीं? हाँ बोट टायर खराब कर लिए। मुन्ना उस्ताद सही करके कसना यार, मैं तो अभी कुआ रहा हूँ।
नंबर लाओ तो ये बेटा उस्ता यार बस तेरा भी यही काम रह गया है उस्ताद देख रहे हैं तुझे शाबाश शाबाश मुन्ना उस्ताद ठीक है तलू बच्चो अगर आप करोला एक्स के स्प्रिंग डालेंगे गाड़ी में तो गाड़ी लो हो जाएगी ये हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है फर्मूला है लेकिन हर गाड़ी नहीं होगी कोई कोई होगी यार ये जो जंग क्यों की थी पहिए इसका लेना पानी खाने में ये हमारे मशहूर मैकेनिक मुन्ना उस्ताद इस टाइम फुल थके हुए सारा दिन अभी मुझे धोखे में इसने रखा हुआ है अभी कह रहा था राड ना दो ना अब खुद का छुपा है और मुझसे राड मांग रहा है यार ऐसे तो नहीं होता चल उठा लो क्या याद करोगे अब तुझे मिलेगा नहीं मिल गया मिल गया तुम्हारा असली नाम कौन सा है हाँ मुनीर अच्छा मैंने कहा मुन्ना उस्ताद मुनीर मुन्ना उस्ताद ए मशहूर हो सी एक टाइम इधर डेरेज मुन्ना उस्ताद शॉप्स मैकेनिक ये अपनी पुरानी लुक में वापस गाड़ी आ गई है देख सकते हैं लेकिन यार इसके जो स्प्रिंग है ना वो अभी भी बहुत नरम है मतलब अभी भी दो बंदे बैठ जाएं पीछे फिर भी नीचे लग जाती है इतना है इस साइड से भी आपको दिखा देते हैं ये देखें काफ़ी फ़र्क आ गया अभी नॉर्मल हो गई है गाड़ी बिल्कुल किसकी गाड़ी आगे अब ऐसा है कि गाड़ी तो अपनी ओरिजिनल हालत में हो गई है लेकिन अब इसका मसला बन गया ये नहीं चल रही यार एक काम होता है दूसरे में मसला आ जाता है अब ये LCD नहीं चल रही इसको दिखाते हैं किसी इलेक्ट्रीशियन को समझ नहीं आती यार यार एक मिनट का काम था ये मुर्शिद आ गए मुर्शिद पांच सेकंड लगे मुर्शिद हम आपके बहुत बड़े अभावी रहेंगे अरे मैं कुछ ये ना सेल थोड़ा खान कमजोर है मेरा है लगे कितना चलाओ बेटा तो मेन बात ये है कि असल में जब आप सस्ते में काम हो जाता है अगर आप स्प्रिंग निकाल ला लेते हैं तो सस्ते में काम हो जाता है और मतलब मज़ा भी उठा लेते हैं दो तीन दिन हमने मज़ा उठा लिया अब ये है कि जब फैमिली यूज में गाड़ी हो तो फिर ये तो करना पड़ता है कि यार बस दो तीन दिन मज़े उठा लो हाँ आपके यूज़ में हो तो फिर आप उसमें ट्रैक्टर का इंजन भी लगा लो बस का इंजन भी लगा जो इंजन लगा लो जो कर लो उसमें ट्रैक्टर के कोस्टर के बस के टायर डाल दो ये है कि यार चलो दो तीन दिन मज़े उठा लो सस्ते में काम करा लो गेम्बर करा लो मज़े उठा लो तो हमने भी वही किया है हमने मज़े उठाए दो तीन दिन स्प्रिंग निकलवा के और फिर लगा लिए स्प्रिंग तो फिर कोई होगा तो फिर शुगर लगा लेंगे इंशाल्लाह तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में लेकिन इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो कर लें यार प्लीज़ तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें
और YouTube पे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर किया करें और वीडियो को लाइक जरूर, जो देखता है लाइक जरूर किया करें। तो मिलते हैं किसी नए पंगे के साथ। पंगा ये लिया था एक, तो कामयाब रहा है शुक्र है, कोई ज़्यादा वो तो नहीं हुआ, मसला नहीं बना। हाँ, दो तीन दिन का था, लगती रही थी नीचे से गाड़ी, लेकिन क्या करें, हमें करना था, मजबूरी थी। तो आप भी ऐसे पंगे लिया करें यार, एक्सपीरियंस होता है बंदे को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।